बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा माचिस की तीली है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। गुस्सा एक खंजर है जो इंसान अपने ही दिल में घोंप देता है। दूसरों की खता पर खुद को सजा देने का नाम है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, अहलाक, जहानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। एक दानिश्वर से पूछा गया कि गुस्सा क्या है। खूबसूरत जवाब मिला कि किसी की गलती की सज़ा खुद को देना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है वो शख्स जो देर में खफा और जल्द राज़ी हो जाए, और बदतर है वो शख्स जो जल्द गुस्से में आ जाए और देर से राज़ी हो। गुस्सा कभी कभी काबिल से काबिल इंसान को भी बेवकूफ़ बना देता है। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि कोई मुझे ऐसी नेकी बता दे जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तू गुस्से पर काबू पा।